Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. Let's understand ULIP kya hota hai. ULIP stands for Unit Linked Insurance Plan. यहाँ पे आपको ड्यूअल बेनिफिट मिलता है. सबसे पहला बेनिफिट है इंश्योरेंस बेनिफिट, यानी आपको यहाँ पे लाइफ कवर मिलेगा टू प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. और सेकेंड बेनिफिट है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलता है. यहाँ पे आप जो भी प्रीमियम पे करते हो ULIP के लिए, वो प्रीमियम दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट जाता है इंश्योरेंस के लिए और सेकेंड प्रीमियम का जो अमाउंट है वो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट के लिए. और यहाँ पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड या बैलेंस फंड, ये सब में से आप चूज कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप ULIP प्लान्स ले सकते हो. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ULIP. सबसे पहला बेनिफिट है कि यहाँ पे हमें इंश्योरेंस मिल रहा है. लाइफ कवर जो होता है वो मिनिमम 10 times रहता है जो अपना एनुअल प्रीमियम रहता है उसका. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एनुअली प्रीमियम दे रही हूँ 2 lakh rupees का, तो उसके अगेंस्ट मुझे मिनिमम लाइफ कवर मिलेगा 24 lakh rupees का. सेकेंड मोस्ट बेनिफिट है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं इंश्योरेंस के साथ, यानी कि हम इक्विटी फंड, डेट फंड, बैलेंस या हाइब्रिड फंड, ये सब फंड्स में से हमें चूज करने मिल रहा है और वो हिसाब से हम इन्वेस्ट करें. यहाँ पे हम अपना रिस्क एपिटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं. ULIP इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे कि आप पार्शली भी विड्रॉ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द प्लान यू बाय. एंड ULIPs आर यूजुअली टैक्स फ्री एंड फ्री ऑफ कॉस्ट. ULIP में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब है आपका कुछ गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, सच एज रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हो या चाइल्ड्स एजुकेशन, चाइल्ड्स मैरिज एंड सो ऑन. इट विल सिक्योर योर फ्यूचर्स इन 2 ways, एक तो इन्वेस्टमेंट से एंड एक इंश्योरेंस के थ्रू. ULIPs आर लेस रिस्की बिकॉज आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों सेम टाइम पे कर रहे हो एंड आपको टैक्स बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं अगर आप ULIP प्लान्स में इन्वेस्ट करते हो तो. अंडर सेक्शन 80C, यानी कि आप जो प्रीमियम पे करते हो उसको आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C. अगर आपको फंड्स में स्विच करना तो वो भी टैक्स फ्री है, यानी कि अगर आपने जब ULIP प्लान स्टार्ट किया था तब आपने सोचा था कि नहीं मैं डेट फंड्स में डालूंगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू प्लान टू इन्वेस्ट इन इक्विटी फंड्स, तो ये जो फंड स्विचिंग होता है वो भी टोटली टैक्स फ्री है. एंड जब आप मैच्योरिटी पे अमाउंट क्लेम करोगे तो दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D विथ सर्टन कंडीशंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ULIP. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे 5 years का लॉक इन पीरियड रहता है, यानी आप 5 years तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो इसमें से पैसा. सेकेंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे ना, अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है तो आप यहाँ पे मत ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्लान नहीं है. अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है तो ही आपके लिए ULIP प्लान बना है. और थर्ड मोस्ट डिसएडवांटेज है कि यस, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं आपको जब आप स्विच करते हो फंड्स, बट यहाँ पे ना बहुत सारे कॉस्ट लगते हैं अगर आप बार बार फंड्स को स्विच कर रहे हो तो. थिंग्स वी शुड चेक बिफोर बाइंग ULIP प्लान. हमेशा याद रखना है ULIP प्लान जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए. अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है तो आपको ULIP प्लान नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक तो लॉक इन पीरियड रहता है 5 years का. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे ना हमेशा अपने इंश्योरेंस कंपनी को देखा रहेगा कि वो एडवर्टीज करते हैं कि पे प्रीमियम फॉर 3 years, 4 years, बट उसके पीछे के जो लाइंस रहते हैं ना वो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. आप जैसे ही प्रीमियम पे करना स्टॉप कर दोगे ना, आपका जो लाइफ कवर है वो लैप्स हो जाएगा, यानी कि आपको सम अश्योर्ड नहीं मिलेगा, पूरा पैसा नहीं मिलेगा, जो आपका NAV है ना वही आपको पैसा मिलेगा. तो ये हमेशा याद रखना कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो जब आप ULIP प्लान बाय करते हो तब. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू चेक वाइल बाइंग ULIP इज कि आपको ना हमेशा एजेंट्स बोलेंगे कि मिनिमम सम अश्योर्ड वाला प्लान लो, बट आपको हमेशा ऑप्ट करना चाहिए मैक्सिमम सम अश्योर्ड के लिए, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम पैसा डालोगे तो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स भी मिलेगा. और थर्ड पॉइंट है कि आपको हमेशा आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से फंड्स चूज करने चाहिए टू बैलेंस आउट योर रिस्क एपिटाइट, यानी कि अगर आपका रिस्क मॉडरेट है तो आप बैलेंस फंड में डालो, अगर आपका ज़्यादा रिस्क है तो फिर आप इक्विटी फंड्स में डालो एंड इंश्योरेंस लो.
वो हिसाब से, यानी कि आपका जो भी रिस्क एपिटाइट है वो हिसाब से आप प्लान्स में इन्वेस्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस एंड नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, पर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? क्या आप फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल वाला बिजनेस विथ जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप सीए, LIC एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो? तो आप वेल्दी के वेल्थ पार्टनर बन सकते हो, जहां पर आपको 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फुल ट्रेनिंग, फुल सपोर्ट और टाइमली पे आउट मिलेगा। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ और ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आपको 1000 का बोनस अमाउंट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। सो थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। थैंक यू।